हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता मनवानी। और अमृता मनवानी मतलब कि मैं, मेरा नाम अमृता। और आज का वीडियो होने वाला है फेसिस कनाडा के प्रोडक्ट्स पे। हाँ जी, तो मैंने आज अपना मेकअप लुक क्रिएट किया है फेसिस कनाडा के प्रोडक्ट्स के साथ। आप देख सकते हैं ये लुक मतलब कि सॉफ्ट लुक है, हैवी लुक नहीं है, हार्ड नहीं है। आप इसको ईजिली कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, सॉफ्ट है। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे, और आपने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को कभी नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटी बनी होगी, उसको टच कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं अपने बालों को पीछे कर लूंगी, जिससे कि मेकअप मेरे बालों में ना लगे। और यहाँ पे आप मेरी असलियत देख सकते हैं, बिना मेकअप का मेरा फेस। अपने फेस को टोन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसिस कनाडा का हाइड्रो टोनर। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और रिफ्रेशिंग बनाएगा। इसकी स्मेल लिटरली बहुत अच्छी थी। इसको मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसिस कनाडा अर्बन ग्लो मॉइस्चराइजर। इट्स अ स्किन ब्राइटनिंग डे क्रीम, और इसमें गूसबेरी है और कैनबेरी सीड ऑयल है। इसके साथ आपको इसमें SPF भी मिलेगा, 20+ SPF विद अ UV फिल्टर। आपको सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरी स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट को बहुत हल्का हल्का ही अपने फेस पे लगाऊंगी, बिकॉज इसका कवरेज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ग्लो और शाइन दे देगा आपके फेस पे। इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, बहुत कम ही यूज़ करूँगी। एक्चुअली मेरे फेस पे कुछ भी मसाज वगैरह या कुछ भी लगाने से मेरा फेस रेड हो जाता है, जो कि अभी मेरा फेस रेड हो चुका है, बट कुछ सेकेंड में ही ठीक हो जाता है। आप इंस्टेंट ग्लो मेरे फेस पे देख सकते हैं इस क्रीम को लगाने के बाद, लुक एट दिस। और मेरा फेस भी ठीक हो चुका है, जो रेडनेस आ गई थी वो ठीक हो चुकी है। ये मॉइस्चराइजर लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यूजिंग दिस प्रेप मी अ फेस प्राइमर फ्रॉम नायका। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, इसके मैं एक से दो ड्रॉप लूंगी, बिकॉज इतना सफिशियंट है हमारे फेस के लिए। और इसको अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे भी मेरे ओपन पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स हो गए हैं, मैं उस पर लगा लूँगी, जिससे कि मेरे पोर्स कवर हो जाए और मेरे मेकअप के लिए मुझे एक अच्छा बेस मिल पाए। एक्चुअली मेरे पास फेसिस का प्राइमर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, नायका का प्राइमर भी बहुत अच्छा है। ये आपके फेस को एक स्मूथ बेस दे देगा, और इसी के साथ मेरा मेकअप बेस कंप्लीट हो चुका है। आई एम यूजिंग दिस फेसिस अल्टीमेट प्रो एक्सपर्ट कवरेज कॉम्पैक्ट। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, मैट ब्लैक में, और मुझे बहुत पसंद है। इसके बीच में यहाँ पे एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके सबसे नीचे आपको एक ब्लेंडर मिलेगा अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए। सबसे ऊपर यहाँ पे मिरर है, और बीच में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। वैसे तो ये कॉम्पैक्ट है, बट इसका फॉर्मूला बिल्कुल क्रीमी है, ये बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने फेस के हाफ पार्ट पे लगा के दिखाऊंगी, इसमें फ़र्क दिखेगा आपको लगाने से पहले और लगाने के बाद। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे इसको हाफ पार्ट पे लगा लूँगी अच्छे से। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, और ये आपको स्मूथ और एक मैट फिनिश लुक देगा। ऑयल फ्री है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल वेटलेस है, मतलब बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत लाइट है। ये आपके लिए देख सकते हैं, मैंने एक साइड पे नहीं लगाया है और एक साइड पे लगा लिया है। आप दोनों साइड पे फर्क देख सकते हैं, कवरेज देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज है इसकी। अब मैं इसको अपने दूसरे साइड पे भी लगा लूँगी, जिससे कि मेरा फेस अलग अलग ना लगे, दोनों सेम लगे मेरा फेस। दूसरे साइड पे भी अच्छे से लगा लूँगी, और फिर नेक पे भी अच्छे से लगा लूँगी, जिससे कि मेरा फेस और नेक अलग अलग ना लगे। एक्चुअली इसको लगाने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज इसका कवरेज और अच्छा है, और ये लाइट भी है, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस फेसिस कनाडा अल्टीमेट प्रो मैट लिप क्रियॉन इन द शेड मिडनाइट रोज 12। इसके साथ मुझे एक शार्पनर भी मिला है फेसिस कनाडा का, जिससे कि मैं इसको शार्प कर पाऊँ। मैं इस लिपस्टिक को हल्का हल्का अपने लिप्स पे लगाऊंगी, बिल्कुल लाइट लाइट, बिकॉज इसका कवरेज बहुत अच्छा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको लाइट लाइट ही लगाऊंगी।
ओह गॉड, जस्ट लुक एट दिस पिगमेंटेशन गाइस, क्या सही पिगमेंटेशन है इसकी. मतलब दिस लिपस्टिक इज लव फॉर मी नाउ. यूजिंग दिस लिपस्टिक एज माई आई शेडो एज वेल, बिकॉज इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, इसलिए मैं इस लिपस्टिक को ही अपनी आई शेडो के लिए यूज़ कर ले रही हूँ. आई शेडो यूज़ करूँगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी. लिपस्टिक बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगी और बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए. मैं इसको हल्का हल्का अपनी आई लिड पर लगाऊँगी बिकॉज इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था, जिससे कि ये ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं हल्का हल्का ही लगाऊँगी. आप देख सकते हैं आई शेडो काम भी अच्छे से हो चुका है, अच्छे से लग चुका है. आई एम यूजिंग दिस फेसेस कनाडा अल्टीमेट प्रो स्केच आई लाइनर. ये स्केच आई लाइनर है. इसके रिव्यूज़ अगर आपको जानने हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इसके रिव्यूज़ दिए हुए हैं अपनी लास्ट वीडियो में. मैं एक अच्छा सा परफेक्ट विंग आई लाइनर लगा लूँगी अपने आईज पे. मैंने एक आईज पे लगा लिया है, मैं थोड़ा और पास आके अच्छे से दिखा दूंगी. अब मैं अपनी दूसरी आईज से भी इसको लगा लूंगी. एंड आप देख सकते हैं दोनों आईज पे मेरा आईलाइनर अच्छे से लग चुका है. अब मैं अपने मोल को हाईलाइट भी कर लूंगी इस आईलाइनर से. मेरा यहाँ पे एक मोल है तो मैं उसको हाईलाइट भी कर लूंगी. लिपस्टिक को एज अ ब्लशर भी यूज़ करूँगी बिकॉज पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था इस लिपस्टिक का, इसलिए मैं इसको ब्लशर की तरह भी यूज़ करूँगी. यू नो, एक तीस से दो निशाने, अब सॉरी, एक तीस से तीन निशाने, बिकॉज इसने तो तीन का काम किया है ना. तो इसको मैं हल्का हल्का अपने चीक्स पे लगा लूँगी, बिल्कुल हल्का हल्का, बिकॉज पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं हल्का हल्का ही लगाऊँगी पहले और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. मेरा मेकअप लुक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.